अज एवरेस्ट पब्लिक सीनियर सैकेंडरी बहुत वधिया साइंस एग्जीबिशन कराया गया। ये नर्सरी तो लैके सीनियर सैकेंडरी तक बच्चों ने पार्टीसपेट किया, बहुत एक्साइटमेंट ना पार्टीसपेट किया। मैं तो बहुत कई प्रोजेक्ट देख के मैं हैरानी रह गया, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, बहुत सारा एफर्ट किया, पेरेंट्स ने भी एफर्ट किया, टीचर्स ने भी बहुत एफर्ट्स किए, तो इन्हों के एफर्ट के सरके कई प्रोजेक्ट मैं बहुत वधिया लगे। मोती नगर CBSE ब्लॉक्स अज असी एनुअल साइंस एग्जीबिशन की थर्ड सीरीज ऑपरेट की, जिसमें अलग अलग प्रकार में बच्चों एलिमेंट्री सेकेंडरी में डिजास्टर मैनेजमेंट में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इन एग्जीबिशन का करने का एक ही हमारा मेन है ऑब्जेक्टिव है कि इनके जरिए बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दें, प्रैक्टिकल उनको लर्निंग टीचिंग और थिंकिंग, एक टीचर का पैटर्न होता है कि हम बच्चों को बढ़ा तो रहे हैं लेकिन बच्चे थिंक भी करें कि हम कर क्या रहे हैं, और टीचर इसके लिए प्रेरित करें। इसी के लिए एनुअल साइंस एग्जीबिशन का जो हमारा थीम भी था साइंस सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, उसको चलते हुए आज हमारे बच्चों ने अप्रॉक्सीमेट 100 के लगभग जो मॉडल बनाए और 300 के लगभग जो स्टूडेंट थे उसमें आज उन्होंने पार्टिसिपेट किया। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु पांडे, मैं +1 साइंस का विद्यार्थी हूँ। आज हमारे स्कूल में साइंस फेयर का आयोजन हुआ, मैंने भी उसमें पार्टिसिपेशन किया और मुझे काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि साइंस फेयर हमारी जो स्किल्स हैं उसे डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर देख जो चीज़ देख के समझ आ सकती है वो पढ़ के इतना नहीं आती, तो स्टूडेंट्स को एक विजुअली रिप्रेजेंटेशन मिलता है किसी भी थिंग का। हमने हार्ट का मॉडल बनाया था, उसमें हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी, तो ये हमें काफ़ी अंडरस्टैंड करता है। जो साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें क्रिएटिविटी भी होती है, जिससे स्टूडेंट्स अलग अलग फील्ड में जाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन सब की एक अलग एक फील्ड होती है, और सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन किया, और रिस्पेक्टेड धीरज सर एंड मिसेस दीनानाथ सर, उन्होंने भी बहुत हमारा सपोर्ट किया। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी। प्राइज आना अलग बात है, लेकिन जो आपने सीखा वो आपको ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। मेन पर्पस ऑफ आवर साइंस फेयर इज टू एलिब्रेट द स्टूडेंट्स। बेसिकली द थ्री मेन सेक्शंस वर डिवाइडेड, एलिमेंट्री, सीनियर, सीनियर सेकेंडरी सेक्शंस। फर्स्ट एलिमेंट्री सेक्शन किड्स फ्रॉम द फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास ऑर्गेनाइजर मॉडल्स एंड क्रिएट बेसिक एक्टिविटीज एंड गेन टू मैनी प्राइजेस एंड गेन टू मैनी नॉलेज टू। एंड अनदर सेक्शन इज फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड, विच इज़ अ बेसिकली अ सीनियर सेक्शन, एंड दे ऑल्सो क्रिएटेड द मॉडल्स विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट, कंप्यूटर, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री ब्रांचेस, थ्री वी हैव अ डिफरेंट ब्रांचेज ऑन दिस। एंड अनदर सेक्शन इज सीनियर सेकेंडरी सेक्शन ऑन विच स्टूडेंट्स क्रिएट मैनी मॉडल्स। आवर मेन एजेंडा इज टू इलेक्ट्रीफाई द स्टूडेंट्स टू क्रिएट सम न्यू आइडियाज। स्टूडेंट्स क्रिएट डिफरेंट मॉडल्स विच कैन इलेबोरेट दैम इन द फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर पर्पसेज टू द बेसिक मेन आवर मोटिव टू इलेबोरेट द the science fair is that after corona time there is no activity concerned in a school or in any school, so there is a need of a kick to a students to change, to came into that back life, so we created this science exhibition today.